जेके न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पिछले हफ्ते ही गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स पे 200 रुपये घटा दिए हैं। अब इसके बाद एक रिपोर्ट में जो जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़ ने निकाली है, उसमें उन्होंने कहा है कि मोस्ट लाइकली दिवाली के पास जो गवर्नमेंट है वो पेट्रोल प्राइसेस भी 3 रुपये से लेकर 5 रुपये तक घटा सकती है। तो इस पे आम जनता का क्या कहना है और उनका क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? विवेक चौधरी। आप क्या करते हैं? मैं सर एक कंपनी में, लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता हूँ। तो सर, आपने जैसे सुना होगा कि अभी जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो 3 से 5 रुपये तक नवंबर में कम होने वाले हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये भी एक कोई पॉलिटिशियन का ही मतलब कोई स्टैंडर्ड चल रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं हमारे, अभी एलपीजी में भी हमारे देखो आप सीधा सीधा 200 रुपये कट गया। लास्ट 4 साल से हमारा 1100 प्लस ही चल रहा था, मतलब कम हुआ ही नहीं, आपके सामने ही है। तो अभी ये चल रहे हैं, सभी पार्टियाँ अपने अपनी मतलब जोर लगा रही हैं कि इस हिसाब से कि कोई ना कोई स्टैंड बनाएं कि अपना हमारा आगे आने वाला टाइम में सेम रहे पार्टी। अब लोगों को समझदारी चाहिए कि आगे कैसे चलना चाहिए। जैसे अभी आप समझदार हो कि हमें हमारे जम्मू में टोल प्लाजा को लेके चल रहा है इशू और स्मार्ट मीटर्स को लेके चल रहा है इशू। बड़ी गरीब तबके के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो उनके हिसाब से देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि जहाँ लगने चाहिए वहाँ लगते नहीं हैं, जहाँ नहीं लगने चाहिए वहाँ पहले लगाते हैं ये। वहाँ लोग बोलते नहीं हैं ना, यहाँ बोलते हैं बेचारे, उनको पहले लगाते हैं यहाँ पे आके। बस यही है कि पॉलिटिशियन का ही है जो सरकार का मतलब अपना स्टंजा बनाते हैं, तो उस हिसाब से ये चलता सारा। तो इसको आम जनता को फ़ायदा नहीं होगा इसका, पेट्रोल कम होने का? ये 1 रुपया 2 रुपया कम करके सीधा 4-5 रुपये 10 रुपये बढ़ा देते हैं। आपने देखा पीछे लास्ट टाइम 110 रुपया हो गया था लीटर तेल ना, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो 2-व्हीलर अफोर्ड करते हैं मतलब उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो भी मतलब EMI पे बंदा लेता है, मतलब जो मिडिल क्लास में आता है, तो उस हिसाब से मतलब मिडिल क्लास 2-व्हीलर तो आम बंदे के लिए है कि। परमजीत सिंह सोदन। तो सर आप क्या करते हैं? मेरा आम जन एमुनेशन का काम है। तो सर, ये जो भी पेट्रोल प्राइसेस की बात हो रही है कि कम हो जाएंगे 3 से 5 रुपये तक नवंबर में, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ये खुशी की बात है, सस्ता हो रहा है 3-4 रुपये, चाहे रीजनिंग चाहे कोई भी हो, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कारण कोई भी है, सस्ता हो रहा है तो ये खुशी वाली बात है, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं हम। महंगा नहीं होना चाहिए, तो सस्ता कर रहे हैं, चाहे इलेक्शन की वजह से ही कर रहे हैं, राजनीति है। सर आपका नाम? मेरा नाम देवीदास है। सर आप क्या करते हैं? मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ, मैं एज ए मैनेजर। तो सर, जैसे आपने सुना होगा कि अभी नवंबर में 3 रुपये से 5 रुपये तक के पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये 3-4 स्टेट्स में शायद इलेक्शन है, तो इलेक्शन के समय गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा लोगों को शक्कर दिया जाए, लेकिन ये 5 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी चलो, फिर भी ठीक है, तो हम चाहते हैं हमेशा इलेक्शन होता रहे और ये प्राइसेस जो है कंट्रोल रहे। तो हमने अभी यहाँ पे जितने भी लोगों से बात की, आपने देखा कि लोगों का यही कहना है कि 3-4 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पेट्रोल के प्राइसेस जो है अब वो कम करने वाले हैं। चाहे रीज़न जो भी हो, पेट्रोल के प्राइसेस तो कम हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता का तो फ़ायदा होगा ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए JK News Today।